इसमें है कैसे, मतलब डेटिंग सर्विस है या और भी कुछ है? डेटिंग साइट होती है सर, यहाँ पर हमारे हाई प्रोफाइल की लेडी के हम आपकी पर्सनल मीटिंग अरेंज कराते हैं। पर्सनल मीटिंग में आपको लेडी को प्रॉपर फुल बॉडी मसाज देना होगा एंड नेक्स्ट से लेकर लेग तक का बॉडी मसाज देना, रिलेशनशिप बना के उन्हें सेटिस्फाइड करना होता है। ओके, 2 आवर्स का मिनिमम टाइमिंग रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिगोलो सर्विस के बारे में, कैसे एक बहुत बड़ा स्कैम ये सामने आया है। दोस्तों आप सबने ही सुना होगा जिगोलो सर्विस, जी हाँ, एक इलीगल काम है जो किया जाता है और बहुत बड़े स्तर पे ये किया जाता है और गवर्नमेंट भी इन सब चीज़ों को दोस्तों सपोर्ट करती हुई नज़र आती है जहाँ जहाँ ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये स्कैम कैसे अब ये लोग कर रहे हैं, किस तरीके का ये स्कैम सामने आया है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं गौरव नाम के, उन्होंने हमें मेल किया था, उसके बाद हमने उन्हें कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने सारी डिटेल हमें बताई है, किस कैसे स्कैम सामने आ रहा है उन्होंने सारी चीज़ बताई है। इसकी हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, किस तरीके की वो डील करते हैं, कितना आपसे पैसा मांगते हैं और आपसे क्या प्रोमिसेस किए जाते हैं, ये सारी एविडेंस है हमारे पास। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके का उनको हमारे पास मैसेज आया, हमारे सब्सक्राइबर का क्या उन्होंने हमें सबसे पहले बातें बताई मैसेज में। आई गोट ए फ्रॉड कॉल वेयर इन अ लेडी आस्किंग मी टू ज्वाइन देयर प्लेबॉय क्लब। जी हाँ दोस्तों, इनका मतलब ये है फ्रॉड कॉल, जी हाँ, जैसे आजकल आते हैं स्पैम कॉल उसी तरीके का कॉल आया और इनडायरेक्टली इनसे पूछ लिया गया कि आप क्या ये ग्रुप जो है क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं। आल्सो सैड आई हैव टू मेक फिजिकल रिलेशनशिप विद लेडीज, तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सब करने का मौका मिलेगा, मतलब एक लालच दिया जा रहा है। उसके बाद आप सुनिए क्या बात हुई है। आस्क मी मेम्बरशिप चार्जेस ऑफ 50K इन एडवांस, आपसे 50,000 एडवांस भी वो डिमांड करेंगे इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। आपको साथ में ये बता दें, ये लोग आपसे ये प्रॉमिस भी करते हैं कि आपको जो आप जाएंगे वहाँ पे, जो भी ये लोग भेजेंगे जहाँ जहाँ आपको, आपको वहाँ पे पैसा भी दिया जाएगा। था है आल्सो गेव मी PNB अकाउंट नंबर टू डिपॉजिट फंड्स, उन्होंने एक अकाउंट नंबर भी दिया, वो भी हम आगे डिटेल में हम डाल देंगे क्या अकाउंट नंबर दिया है, किस नाम से है। मोस्ट बिजार थिंग इज डैट When I went to साइबर पुलिस स्टेशन, इसके बाद दोस्तों ये साइबर पुलिस स्टेशन भी गए गुड़गांव में सेक्टर 53 में। जी हाँ, साई ऑन ड्यूटी सेड डेट एज पर लो दे कांट टेक एनी माई कंप्लेंट नॉट टेक एनी एक्शन अनटिल आई एक्चुअली सेंड देम 50,000 रुपीज एंड बिकम ए विक्टिम। तो दोस्तों जब तक ये 50,000 रुपये डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक इनकी तरफ से कोई केस जो है दायर नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग हो, उनको भी उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद इन्होंने हमें मैसेज किया, व्हाट इज द लॉ, वन कांट इवन रिपोर्ट इन एडवांस अंटिल वन बिकम अ विक्टिम। तो दोस्तों जब तक आप 50,000 रुपये जब जमा नहीं करेंगे उनके अकाउंट में तब तक नहीं वो पुलिस वाले सामने आएंगे, मतलब 50,000 रुपये भी आपके ख़त्म हो जाएँ और वो भाग जाएँ, उसके बाद पुलिस वाले आपकी मदद करेंगे, एक तरीके से ये है कहने का मतलब। एंड आई हैव द कॉल रिकॉर्डिंग एंड द मैसेज टैक्स मैसेज विद देयर PNB अकाउंट नंबर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं PNB अकाउंट नंबर है इनका, रजनी शर्मा नाम से ये PNB अकाउंट नंबर है, पंजाब नेशनल बैंक है अकाउंट नंबर, आप देख सकते हैं 1482010149747, रजनी शर्मा नाम से दोस्तों ये अकाउंट है। साथ में इन्होंने लिखा नॉट एबल टू शेयर कॉल रिकॉर्डिंग ऑन व्हाट्सएप एट गेटिंग एरर मैसेज फाइल टू लॉन्ग, रिकॉर्डिंग थी जब उनका कॉल आया था कि इनको मेंबरशिप ज्वाइन कराने के लिए, तब की वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन एक जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो हमारे पास है अभी फ़िलहाल, आप वो सुन लीजिए, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके की बातें की जाती है। ये रही वॉइस रिकॉर्डिंग। हेलो, हाँ गौरव जी, हेलो, बोल रहा हूँ, नेहा बात कर रही हूँ, कहाँ से? जी बोलो क्लब से। हाँ जी बोलिए। आप तो फोन ही उठा रहे। मैम मैं थोड़ा हुआ था। ओके ओके ओके, ये मुझे लगा बिजी होंगे तो भी मैंने कॉल करी, मैंने चलो एक बार ट्राई कर लेती तो बंदा फिर कोई और फोन उठा के बोल देगा। नहीं मैं थोड़ा हुआ था इसलिए फोन उठा नहीं पाया। कोई नहीं, चलो कराओ तो सॉरी। क्या चीज? मैं कह रहे क्या कह रहे हैं? मैं कह रही डिस्टर्ब कराओ तो सॉरी। करा दीजिए। तो आप बताइए फिर कैसे पेमेंट करवाएंगे? मैं पेमेंट करता हूँ, एक तो डॉक्टर ये इसमें सर, ये जो आपका ये प्लेबॉय मेंबरशिप है इसमें सर
सिर्फ मतलब नॉर्मल ये डेटिंग का, या इसमें इसमें और भी कुछ चाहिए सर? सॉरी, ये आपका जो प्लेबॉय मेंबरशिप है इसमें इसमें है कैसे, मतलब डेटिंग डेटिंग सर्विस है या और भी कुछ है? डेटिंग साइट्स होती है सर यहाँ पर हमारे हाई प्रोफाइल की रेडी के, हम आपकी पर्सनल मीटिंग अरेंज कराते हैं। पर्सनल मीटिंग में आपको लेडी को प्रॉपर फुल बॉडी मसाज देना होगा एंड नेक से लेकर लेग तक का बॉडी मसाज देना, रिलेशनशिप बना के उन्हें सेटिस्फाइड करना होता है। ओके, 2 आवर्स का मिनिमम टाइमिंग रहता है, जिस भी टाइम इस टाइप के सर्विस भी रहते हैं 2 आवर्स निकाल के आप ये काम कर सकते हैं। इट्स अ कॉन्फिडेंशियल सर्विसेज सर। ओके, और जो भी आप 6 मंथ तक वैलिड रहता है। अच्छा, मुझे एक चीज आपसे रिक्वेस्ट की, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा अपना बैंक देख रहा था, अभी आज मेरे ख्याल से 22 से 23 तारीख होगा, तो क्या मैं ये मतलब 31 कर दूं पेमेंट कर दूं, क्योंकि तभी मेरी जो सैलरी आएगी। कितना पेमेंट है वैसे अभी आपके पास? मेरे अकाउंट में 500 रुपए भी नहीं है अभी। मेरा जो सैलरी आता है वो आता है 1 को आता है। ओके ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप नंबर सेव कर लीजिए, आप 1 तारीख को पेमेंट कर देना। ठीक है सर? ठीक है मैम, मुझे बस इसी चीज का डाउट था, क्योंकि मैं क्योंकि वैसे भी महीने का अंत है, उसको ऊपर से मतलब ये भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 तारीख को पेमेंट करके मुझे कन्फर्म कर लेना। ठीक है सर? ठीक है मैम, मैं आपका नंबर सेव करके रख लेता हूँ। तो आपने देखा किस तरह की बातें ये सामने आई। पीछे आपने और भी शोर सुना होगा, नेहा नाम है इस लड़की का जिसने कि कांटेक्ट किया और जिगोलो ग्रुप में जुड़ने के लिए इनको बोला गया, गौरव को जो है बोला गया कि आप जिगोलो ग्रुप से जुड़ जाइए, 50,000 रुपये आप जमा कीजिए, उसके बाद आपको जो है जो भी लेडीज़ या किसी के भी यहाँ आप जाएंगे आपको उन्हें सेटिस्फाई करना होगा, मसाज देनी होगी, ये सारी चीज़ें करनी होगी। तो गौरव जो थे काफ़ी सतर्क भी रहे, क्योंकि पहली कॉल में इन्होंने डिपॉजिट नहीं किया, तो इन्होंने चांस एक तरीके से लिया कि सामने वाला क्या बोलता है। तो इन्होंने बोला कि 500 रुपये मेरे अकाउंट में है कुल, और 1 तारीख को जो है सैलरी आएगी तभी होगा। तो आपने देखा कि उन्होंने कहा जब भी पैसे आएंगे तब आप 1 तारीख को जमा करा देना। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से ये स्कैम सामने आया है गुड़गांव, दोस्तों जी हाँ, दिल्ली से लगा हुआ गुड़गांव, यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है जिगोलो की, और ये इस तरीके से ठगा जा रहा है। दोस्तों ये तो बच गए हैं एक तरीके से गौरव, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ में फंस जाते हैं, जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, उनको जल्दी से पैसा कमाने का लालच होता है। और ऐसे ग्रुप दोस्तों यही नहीं है, फेसबुक, व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनके मैसेजेस रहते हैं, और आधे से ज़्यादा लोग इनके जाल में फंस जाते हैं और 50,000 जमा करा देते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, टाटा बाय बाय हो जाती है, कोई आपको जिगोलो ग्रुप भी नहीं ज्वाइन कराया जा सकता, क्योंकि कोई अच्छा काम तो दोस्तों ये है नहीं, एक इलीगल काम है। और आप अगर उससे जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है ना, आप किसी को बता सकते हैं कि हम ये काम करते हैं। बस ये है कि आप जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते और ऐसे ग्रुप में फंस जाते हैं और इन लड़कियों की बातों में आ जाते हैं। आपने पीछे से भी शोरगुल सुना होगा, और भी लड़कियाँ वहाँ पे नज़र आ रही थी कि साथ में और भी लड़कियाँ हैं जो और भी कॉल्स कर रही हैं, और भी फ्रॉड कॉल कर रही हैं, स्कैम कर रही हैं और लोगों के साथ भी। अगर दोस्तों 100 कॉल भी अगर ये डेली करते हैं 10 लोग फंस जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कितनी मोटी रकम ये कमा रहे हैं वहाँ से। और साथ में पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, साइबर क्राइम वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका कहना ये है पहले आप फंसें फिर हम आगे आएंगे। मतलब जब आपको पता है कि उनका वो सेक्टर है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास है, लेकिन फिर भी मदद नहीं की गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये यही है, राम भरोसे सब चल रहा है, ना आपकी मदद की जाती है, आप जब तक फंसेंगे नहीं आपकी कोई मदद नहीं की जाएगी, और मदद भी आप सबको पता है कितनी मदद की जाती है। और दोस्तों ये एक तरीके से बच गए हैं, लेकिन आप में से आप लोगों को भी अगर ऐसी कोई फ्रॉड कॉल आती है, इसी से जुड़ी नहीं किसी और से जुड़ी, तो आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के थ्रू दोस्तों सोशल अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जो लोग हैं चीज़ों में फंसते हुए नज़र आते हैं, जल्दी से पैसा कमाने के लिए वो 50,000 क्या 1-1 लाख रुपए भी दे देते हैं, और उनको लगता है कि आगे आने वाले उनको एक तरीके से उनको ऐसा लालच दिया जाता है कि आप इतना कमा लेंगे, आप अगर उनको सेटिस्फाई करते हैं तो आपको इतना पैसा भी मिल सकता है और आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम यही चाहेंगे आप अवेयर हो पाएँ और इन सब चीज़ों से बचें और आसपास के लोगों को भी बचाएं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इन सब चीज़ों से बच पाएँ और आने वाले दिनों में एक अच्छी जॉब सर्च करें, ना कि शॉर्टकट लेने के चक्कर में ये चीज़ें ज्वाइन करें।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम और भी ज़्यादा वीडियो ऐसी लाते रहेंगे और ऐसी आपको अवेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए सत्यमेव जयते।